भी काफी दिनों तक जब मेजर होता है खुले हुए आसमानों के नीचे रहता है तो उसका क्या होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से टुकड़े वाला पदार्थ जो बाहर निकल जाता है उससे निकलने वाला पदार्थ खनिज होता है, खनिज से जो बाहर निकला है वो तत्व है, यानी तत्व के मिलने से खनिज बनता है और खनिजों के मिलने से चट्टान बनता है। तो जब चट्टान टूटा इस अवस्था में बाहर आया और यह सब मिट्टी के साथ मिल गया और जब यहाँ पर इसके साथ फलन हुआ इसके साथ अगर गला सड़ा गला तो उसके साथ तत्व तो के साथ मिट्टी में आ गया यानी कोशिश आ गया स्वाइल में अर्थात वाकई में और मिनरल्स और फॉसिल्स का एक संयोग है, इसी संयोग से मृदा बना है। इस मृदा को पूरी तरह से हम ऊपर से नीचे तक काट के अगर देखते हैं तो इस काट को मृदा के काट को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल में सबसे नीचे का बेस होता है पैरेंट रॉक्स होता है, उस पैरेंट रॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा भिक्खुछड़ी चट्टान होता है, भिक्खुछड़ी चट्टान के ऊपर में सब सॉइल होता है और सबसे ऊपर में सॉइल होता है, इसी सॉइल का सबसे ऊपरी हिस्सा में ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर्स ए प्रोफाइल में होता है। इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन ए प्रोफाइल कहलाता है, इसके नीचे वाला बी प्रोफाइल कहलाता है, इसके नीचे वाला सी प्रोफाइल कहलाता है और सबसे नीचे वाला डी प्रोफाइल कहलाता है। ये किसी भी मृदा का सॉइल प्रोफाइल चार का चार स्तर होता है।